ओम श्री गणेशाय आय नम स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का आने वाला दो दिन यानी कि सत्रह और अठारह जून ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं ये दो दिन इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से यही जानेंगे चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कुंडली हस्तरेखा से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप एक बार हमसे जरूर संपर्क करिए एक बार संपर्क करिए कोई भी समस्या हो आप कॉल कर लीजिए कॉल नहीं लगता है या कोई रिसीव नहीं करता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ से भी आपसे संपर्क कर लिया जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं जानते हैं ये दो दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे दोस्तों इन दो दिनों में किए गए प्रयासों से आपको जल्द लाभ मिलेगा सरकारी कामकाज बनते नजर आ रहे हैं इन दो दिनों में इसलिए मन प्रसन्न रहेगा दोस्तों बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे और प्रमोशन की बात भी आपकी चल सकती है इन दो दिनों में कारोबारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको इन दो दिनों में निर्णय लेना चाहिए युवाओं को प्लानिंग के मुताबिक ही काम करना चाहिए क्योंकि अचानक बदलाव से नुकसान ने इन दो दिनों में झेलना पड़ सकता है दोस्तों मौसम को देखते हुए सर्दी जुकाम होने की आशंका है इसलिए अत्यधिक ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें दोस्तों बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल आपको आज रखना है इन दो दिनों में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें दोस्तों घर के बड़े लोगों के साथ कुछ समय जो है आप व्यतीत करें उनकी सुविधाओं को यथासंभव उपलब्ध कराने का इन दो दिनों में आपको प्रयास करते रहना चाहिए तो सही दो दिन बातों में अस्पष्टता रखें आपकी कही गई बातें इन दूसरों को समझ में आनी चाहिए अन्यथा लोग सही बातों को भी खुद के मन के मुताबिक बदल सकते हैं उसका मतलब निकाल सकते हैं इसलिए किसी को भी कुछ भी बोलिए इन दो दिनों में तो सोच समझ कर बोलिए ऑफिस में नियम कानूनों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें कारोबारियों को ग्राहकों की पसंद और नापसंद का गंभीरता से इन दो दिनों में ख्याल रखना चाहिए युवा वर्गों को माता पिता को बातों का पालन करना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर इन दो दिनों में दवा का जो सेवन कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए घर में अपनी वाणी को बेहद संतुलित रखने का प्रयास करें आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती है परिवार में मनमुटाव ना बढ़ने दीजिए इन दो दिनों में ये दो दिन निसंदेह कठोर मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा भविष्य के लिए नई प्लानिंग करने का भी यह समय आ चुका है ये दो दिनों में आप भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए दो दिन उपयुक्त हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय अच्छा चल रहा है कारोबारियों के लिए नुकसान की आशंकाएं दिखाई दे रही युवाओं को अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी होगी विद्यार्थी परीक्षाओं को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें नसों में खिंचाव और मांसपेशियों में दर्द उठ सकता है दोस्तों परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी रहेगा विवाह योग्य लोगों का रिश्ता भी आज तय हो सकता है इन दो दिनों में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है दोस्तों ये दो दिन व्यर्थ की उलझनों से छुटकारा मिलने की संभावनाएं हैं जिससे मनोबल बढ़ेगा और पूरे इन दो दिनों में जो आप प्रसन्न रहेंगे कार्य क्षेत्र में सजग जो है सजगता आपको काफ़ी लाभ दिलाएगी विरोधियों के साथ आपका व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए तो वही दूसरी ओर मानसिक शांति आपकी भंग करने का कोई प्रयास करेगा दोस्तों कारोबार में बढ़ोतरी के लिए अब कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ अपने संबंध जो है इन दो दिनों में बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए युवाओं को माता पिता की सेवा करनी चाहिए सेहत खराब हो सकता है इसलिए इन दो दिनों में दिनचर्या और खान पान में कोई भी लापरवाही ना बरतें परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो रहा है तो अपनों का जो सलाह अवश्य लीजिए इन दो दिनों में ये दो दिन खुद को मानसिक तौर पर मजबूत और सतर्क बनाने का प्रयास करिए विरोधी आपके लिए कुछ चक्र रच सकते हैं इन दो दिनों में इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद है इसलिए ध्यान रखना होगा कि उनके दिए गए काम को पूरी दक्षता के साथ आपको इन दो दिनों में पूरा करना है थोक व्यापार करने वाले कारोबारियों को आर्थिक मामलों में सजग रहना चाहिए इन दो दिनों में विद्यार्थियों के लिए कंबाइंड स्टडी लाभदायक रहेगी युवा करियर के नए आयाम भी तलाशते रहें तो एलर्जी से परेशान लोग कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ ना करें दोस्तों इन दो दिनों में घर के के की जरूरत के सामान की ख़रीदारी आपको कर लेनी चाहिए पर वही खरीदिए जो आपको आवश्यकता हो जो पहले से पड़ा हुआ है उसका पहले यूज़ कर लीजिए उसके बाद नया सामान खरीदिए दोस्तों इन दो दिनों में जब किसी भी मामले में पूरी जानकारी ना हो उसमें किसी का भी पक्ष न ले सामाजिक छवि को चोट पहुंचेगा आपके दोस्तों रूप सज्जा के लिए समय निकालें क्योंकि व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये दो दिन अति आवश्यक है आपके लिए दोस्तों कार्यस्थल पर, पर परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं पदोन्नति की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं व्यापारी बड़े पैसे के लेन देन में गलती कर सकते हैं दो दिनों में वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी आपके लिए लाभकारी रहेगी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले बहुत सावधान रहें महामारी को देखते हुए लापरवाही से भी आपको बचना चाहिए तो इन दो दिनों में आसपास के लोगों से व्यर्थ की बातों पर विवाह तो बिल्कुल भी मत करिए इसलिए मामूली बातों को इग्नोर करिए छोटी छुट छोटी बातों को ध्यान मत दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये दो दिन मन में आकार चिंता को न्यौता देने से आपको बचना चाहिए इससे तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है आप इसमें विवादित मामलों से खुद को दूर रखें और बिना मांगे सलाह मत दें ये दो दिन कारोबार में कोई नई डील के लिए जा सकते हैं दस्तावेज मजबूत रखें अन्यथा कानूनी कार्रवाई के चपेट में आप आ सकते हैं युवाओं का महत्वपूर्ण कामों से ध्यान भटक सकता है अभिभावकों को अलर्ट रहना होगा विद्यार्थियों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है इसे व्यर्थ में न गवन स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या में लापरवाही ना करें दोस्तों घर तो परिवार से दूर रहने वालों की जो है त्यौहार के मौके पर इन दो दिनों में घर पे वापसी हो सकती है आने वाले समय में आप वापस आ सकते हैं ये दो दिन चौकन्ना रहना होगा क्योंकि चीज़ों को अनदेखी निकट भविष्य में नुकसान दे करा हो सकती है नुकसान करा सकती है उच्च अधिकारी काम की गुणवत्ता पर निगाह रख रहे हैं इन दो दिनों में इसलिए बगैर कोई लापरवाही बरते खुदरा व्यापारियों को बहुत अच्छा मुनाफा होगा ध्यान रखें कि उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कमी ना आने दे युवाओं का अति आत्मविश्वास उन्हें गंभीर गलती करा सकता है इसको लेकर सतर्क रहें स्वास्थ्य की दृष्टि से हाल ही में सर्जरी आदि कराई है ऐसे लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी इन दो दिनों में आपको मिलेगा दोस्तों सामाजिक कामों में भाग लेने का मौका भी इन दो दिनों में मिल सकता है बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और भी इन दो दिनों में आपकी बढ़ेगी ये दो दिन मन में सीखने की प्रवृत्ति बनानी होगी नौकरी कर रहे लोगों को काम बेहतर करने के लिए पूरे समर्पण और अपग्रेड जानकारी रखें बड़े व्यापारी आर्थिक लेनदेन देन करें पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं प्रदर्शन अनिवार्य है अच्छा प्रदर्शन करिएगा दोस्तों इन दो दिनों में शोध पर कामों में लगे युवाओं के लिए ये दो दिन शुभ हैं दोस्तों मौजूदा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो है आपको शानदार एक्सपोजर मिलेगा उससे महिलाओं को बढ़ते वजन को लेकर इन दो दिनों में सतर्क हो जाना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना हो सके हल्का भोजन जैसे कि फल स्प्राउड आदि का उपयोग करें दोस्तों आवश्यकता से आधा भोजन ही आपको उपयुक्त रहेगा घर के छोटे बच्चों की सेहत के प्रति इन दो दिनों में सतर्क रहें ये दो दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आय के विकल्पों की तलाश आपको करनी चाहिए बड़े प्रोजेक्ट में सीधे जुड़ने के बजाय पहले क्षेत्र के वरिष्ठ जनों के साथ रहकर थोड़ा अनुभव आपको इन दो दिनों में ले लेना चाहिए कार्यस्थल पर सराहना मिलती हुई दिखाई दे रही है अहंकार में ना बदलने दे उसको ये दो दिन मैनेजमेंट संबंधित नौकरी करने वालों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा बिजनेस की, की बड़ी डील से पहले कागजी कार्रवाई में कोई लापरवाही ना बरतें सेहत को लेकर छोटी मोटी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं बड़े भाई को संगति को लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है सन् नशे या दूसरे व्यसन से दूर रहना है इन दो दिनों में साथी को पदोन्नति की भी संभावनाएँ इन दो दिनों में दिखाई दे रही हैं दोस्तों ये दो दिन छोटी छोटी बातों से ही जो है मन को प्रसन्न करें ऑफिशियल कामों में मन कुछ कम लगेगा इसलिए काम के दबाव से खुद को दूर रखें मगर पूरी तरह काम बंद करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा इन दो दिनों में कपड़ों के व्यापारी नुकसान उठा सकते हैं इसलिए विशेष सतर्क रहना है आपको जन संचार से जुड़े जुड़ा कोई कोर्स करने की तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं को खुद को अपडेट रखना चाहिए रक्तचाप के रोगियों को लो बीपी की वजह से थकान महसूस हो सकती है डॉक्टर की सलाह से दवाएं और दिनचर्या नियमित करें तो सही दो दिन परिवार के साथ संबंध मधुर बनाकर चलने की सलाह दी जाती है किसी विवादित मुद्दे पर नजदीकी व्यक्ति की राय आपके लिए अच्छा रहेगा ये दो दिन अपना कोई जो है आपका मदद की उम्मीद लेकर आ रहा है तो उसे निराश मत करिए व्यापारिक मामलों में कहीं कोई बाधा आ रही है तो अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन इन दो दिनों में आपको लेना चाहिए ध्यान रखें कि कारोबार में नुकसान की आशंका है हिसाब किताब में पारदर्शिता आपको इन दो दिनों में बनाए रखनी है अध्ययन या का यही सही समय है प्रयास करें कि मन को शांति देने के लिए धार्मिक चीज़ों को पढ़ें और लिखें विद्यार्थियों को पढ़ाई करते वक्त एकाग्रता बनाने का प्रयास इन दो दिनों में करना चाहिए मन का चंचलपन परिणाम खराब कर सकता है शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के लिए व्यायाम और योग आवश्यक है अपने विशेष दिन को परिवार के साथ समय आपको बिताना चाहिए दोस्तों यह था आपके दो दिनों का दैनिक राशिफल ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय श्री राधे जय भोलेनाथ हर हर महादेव